जय श्री कृष्णा। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश शर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, वो है आपके एजुकेशन और कैरियर से संबंधित। गलत एजुकेशन का चयन करने पर कैरियर में बाधा आती है, ये तय है। और यदि गलत एजुकेशन प्राप्त कर ली और कैरियर गलत चुन लिया तो उसके लिए भी आपके परेशानियां बढ़ सकती है। तो आज का जो महत्वपूर्ण विषय है वह आपका एजुकेशन एंड व्यवसाय, यानी कि शिक्षा व्यवसाय कहे या फिर आपका एजुकेशन और कैरियर से रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसको आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे महत्वपूर्ण सूत्र हाथ लग सकते हैं, और बड़ी इजी वे में, बड़ी सरलता से मैंने समझाया है, आप आराम से समझ सकते हैं। अधिक विलंब न करते हुए आज का जो विषय है उसको प्रारंभ करने जा रहा हूँ। हमारे आधुनिक भागदौड़ की दुनिया में, प्रतियोगी दुनिया में, यानी कंपटीशन का युग आ चुका है। ऐसे में एजुकेशन का महत्वपूर्ण स्थान है और हर व्यक्ति अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देना चाहता है, अच्छे अच्छे महंगे स्कूलों में पढ़ाता है ताकि उसका कैरियर अच्छा निकले, लेकिन उसके बाद में भी उनको सफलता नहीं मिल सकती है तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करूँगा। किसी ज़माने में, यानी कि यदि हम पूर्व 1950 से लेकर 60 के बीच की बात करते हैं तो उस अवधि में कम शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी अपने कैरियर में अच्छा सुधार कर सकता था, और सरकारी नौकरियां जो है चौथी पांचवी वालों को आराम साथ मिल जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उस समय मिडिल क्लास तक का महत्व माना जाता है था, इसलिए चतुर्थ भाव को उस समय देखा जाता था। बस आपने थोड़ी शिक्षा प्राप्त करी और आपको सरकारी नौकरी मिल गई या फिर आप ऐसे बिजनेस में सफल हो गए, वो इसका कारण हो सकता है। अब नज़रिया बदल गया है, हम मैं चतुर्थ स्थान के साथ साथ पंचम स्थान को महत्व देता हूँ। हमारे प्राचीन ऋषियों ने, पाराशर ऋषि वगैरह ने चतुर्थ भाव को शिक्षा का, प्रारंभिक शिक्षा का स्थान माना गया है, और साथ ही महर्षि पाराशर ऋषि ने पंचम भाव को भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। पंचम भाव महर्षि पाराशर ऋषि के अनुसार पूर्व पुण्य कर्मों का भाव कहलाता है और आपकी बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। साथ ही यह नाइन्थ हाउस जो भाग्य भाव है उससे नाइन्थ हाउस, या यूँ कहें कि पंचम भाव से पांचवा स्थान पर नौवां स्थान आता है। तो ऐसे में चतुर्थ के भाव के अलावा पंचम भाव को भी विशेष महत्व देना चाहिए एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। मिडिल तक, यानी कि आप 11वीं तक यदि पढ़ाई करते हैं तो वो कोई मायने नहीं रखती है, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए हमें पांचवा स्थान को भी देखना चाहिए। और पांचवें से पांचवा स्थान नाइन्थ हाउस होता है। नाइन्थ हाउस ये आपके और हायर से, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट आदि जो विशेष शिक्षा प्राप्त की जाती है उसके लिए नाइन्थ हाउस को देखा जाता है। तो ऐसे में हमारा जो चतुर्थ भाव है, और चतुर्थ भाव यदि हम काल पुरुष की कुंडली की हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ स्थान पर चार लिखा होता है, तो चार का मतलब होता है चंद्रमा, और चंद्रमा मन और हमारे मस्तिष्क का कारण है। चंद्रमा यदि आपका मजबूत होगा, किसी से दुष्प्रभावित नहीं होगा, तो आपकी पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, मस्तिष्क कार्य करेगा, इसकी तरफ ये चंद्रमा इंगित करता है। और पंचम भाव यदि काल पुरुष की कुंडली की हम चर्चा करते हैं, उसको आधार मानते हैं, तो चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है उसका स्वामी, तो पांचवें स्थान में पांच लिखा होता है, तो पांच का स्वामी सूर्य कहलाता है। तो सूर्य का भी महत्वपूर्ण, पंचम मेष सूर्य, जो सूर्य जो है आपको उच्च शिक्षा में तो मदद करता है और कैरियर में उच्च स्थान देता है। इसके अलावा यदि आप सरकारी गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब में उच्च पद को देने वाला, मान सम्मान को देने वाला पांचवा स्थान का स्वामी सूर्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है।
यह सूर्य आत्मा कारक भी माना गया है, इसलिए चंद्रमा और सूर्य का मजबूत होना अति आवश्यक है। इसके अलावा अब पंचम से पंचम भाव को हम देखते हैं तो वो आता है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस फिर वापस काल पुरुष की कुंडली के हम सहारा लेंगे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार नाइन्थ हाउस जो है उसको स्वामी गुरु होता है, नो यानी धन का। तो ऐसे में गुरु का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है, यह आपके बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। आप यदि जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसमें नाइन्थ हाउस का भी प्रमुख रोल रहता है। इसलिए अभी तक जो मैंने आपको कुंडली के तीन महत्वपूर्ण स्थान बताए हैं, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान और नाइन्थ हाउस यानी नौवां स्थान। नौवां स्थान ये आपके धर्म का कारक भी माना गया है और साथ ही आपके भाग्य का कारक भी माना गया है। देव गुरु के बिना आपका भाग्य अधूरा रह सकता है, इसलिए अभी तक तो एजुकेशन के बारे में चतुर्थ, पांचवा और नाइन्थ हाउस का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन आजकल उच्च शिक्षा को भी स्थान दिया गया है। कब? बाहर विदेश में जाने के लिए। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो विदेश में जाकर एजुकेशन प्राप्त करते हैं और कैरियर की तलाश में भटकते हैं या फिर उनको सहारा ढूंढते हैं। तो नाइन्थ हाउस से हम विदेश में शिक्षा पाने का भी इसी से गणना की जाती है। अब जब एजुकेशन पूरी कर चुका होता है इंसान, तो ऐसे में उसको कैरियर के बारे में देखा जाता है। हमारे पास अधिकतर जो व्यक्ति आता है वो अपने बच्चों के लिए या स्वयं की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए और कैरियर से संबंधित जानकारी के लिए आता है कि हमारा एक कैरियर परेशान हो रही है, हम कौन सा बिजनेस करें, कौन सा कैरियर चुनें। तो कैरियर और बिजनेस चुनने के लिए, भविष्य बनाने के लिए कर्म भाव यानी कि दसवां स्थान। अभी दसवां स्थान काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दस यानी कि दस का स्वामी मकर, मकर का स्वामी जो होता है वो शनि होता है। शनि आपको कठिन परिश्रम कराकर विजय श्री दिलाता है और आपके कर्म के अनुसार आपके ये कैरियर का चयन करता है। इसलिए शिक्षा के लिए और विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए, हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए चतुर्थ, पंचम और नाइन्थ, नौवां स्थान के अलावा ये चार स्थान है, बारहवां स्थान भी महत्वपूर्ण रखता है। अब जब एजुकेशन प्राप्त कर लेता है तो कर्म यानी कि कैरियर का चयन हम दसवें स्थान से देखते हैं। इसलिए इनका महत्वपूर्ण माना गया है। यह है कुंडली में विचारणीय हाउसेस। तो हमें एजुकेशन यदि चतुर्थ भाव का स्वामी और विद्या का कारक बुद्ध माना गया है, बलि होकर शुभ भाव में और अशुभ ग्रहों से प्रभावित नहीं हो तो ऐसा व्यक्ति बिना बाधा के शिक्षा प्राप्त कर लेता है। तो अब कुंडली में महत्वपूर्ण स्थान जो है चंद्रमा का है, सूर्य का है, बुद्ध जो बुद्ध आपको विद्या देने वाला माना गया है और बृहस्पति जो आपके भाग्य को इंगित करता है। तो इस तरह से कुंडली में जिसका चंद्रमा, सूर्य, बुध और गुरु ये चार ग्रह जितने ज़्यादा मजबूत स्थिति में होंगे उसी के अनुसार एजुकेशन व्यक्ति प्राप्त करता है और उस एजुकेशन के अनुसार कैरियर का जो चुनाव करता है वो दसवां स्थान के लेता है। अब ये दसवां स्थान के बारे में थोड़ा और मैं विस्तार से बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एक लग्न चार्ट बनाइए, लग्न चार्ट में है आप लिखिए 11 मार्च 1988 का जन्म है और जन्म समय है दोपहर के 14:02 यानी कि PM यह आपने लिखा। और जन्म स्थान यदि हम उल्लेख करें तो भोपाल का कर सकते हैं। तो ये ऐसा जातक है, इसकी जन्म पत्रिका जब बनती है तो ये मिथुन लग्न का चार्ट बना। मिथुन लग्न के चार्ट के अनुसार आप राहु को जो है नाइन्थ हाउस में लिखिए और थर्ड हाउस में एकदम जस्ट सामने केतु को लिखिए। अब ये मकर, सॉरी
मिथुन लग्न की पत्रिका है। तो तीसरे स्थान का स्वामी जो मैंने चर्चा करी थी, सूर्य का मजबूत होना, सूर्य जो है यह इस जातक की कुंडली में नाइन्थ हाउस में स्थित है। सूर्य और बुध, बुध है बुद्धि का कारक, तो इसमें राहु के साथ सूर्य और बुध बैठा हुआ है। मैंने आपको जो चर्चा में विषय बनाया था वो ये इस तरह से, पहले कुंडली चार्ट बनाइए मिथुन लग्न की पत्रिका, उसमें राहु नाइन्थ हाउस में और थर्ड हाउस में केतु, इसके अलावा नाइन्थ हाउस में सूर्य और बुध लिखिए, और सप्तम स्थान में केंद्र में शनि और मंगल लिख दिए। इसके अलावा जो चंद्रमा है वो चंद्रमा छठे स्थान पर लिखते हुए ग्यारहवें स्थान पर शुक्र और गुरु को लिखिए। जब हमने इसे चार्ट बना लिया तो अब इस ऐसे जातक के इसने विदेश में शिक्षा प्राप्त की। विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें मैंने बताया था कि चतुर्थ स्थान और नाइन्थ हाउस और बारहवां स्थान को देखा जाता है। तो अब ये जो मैंने नाइन्थ हाउस में राहु लिखा है, सूर्य और बुध लिखा था, तो बुध बुद्धि का कारक है और सूर्य जो है आपको शिक्षा में उच्चता दिलाने के लिए, और साथ ही नाइन्थ हाउस का जो स्वामी है वो शनि है। अब शनि का केंद्र में सातवें स्थान पर बैठना, तो ये यहाँ सर यदि हम देखा जाए तो इस जातक ने जो एजुकेशन प्राप्त किया वो विदेश में जाकर प्राप्त किया, और सातवें स्थान पर मंगल और शनि होने के कारण ऐसे जातक ने मंगल और शनि के कारण युति के कारण ये इंजीनियर में इसने पढ़ाई करी और विदेश में जाकर ये सफल हुआ, और आज की तारीख में यह उच्च पद पर स्थित है। यदि आपको अपने जन्म पत्रिका का या आपके बच्चों के जन्म पत्रिका का विश्लेषण कराना है तो आप हमसे ऑनलाइन संपर्क कर सकते हैं। हम आपके बच्चे का या आपका एजुकेशन और कैरियर से संबंधित जो बाधा आ रही है उसमें हम खोज करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके उपरांत आपको हम उपाय भी बताते हैं। तो ऐसे में यदि आपकी जिज्ञासा है तो आप हमारे जो इसमें नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि आप निःशुल्क कोई सेवा नहीं लें। इसके लिए कुछ हमारा साधारण सा शुल्क निर्धारित है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।